पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक अलग विषय लेकर आते हैं, जिस पर हमारे खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फोन लाइन के जरिए। जी हाँ, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके विशेषज्ञ मेहमानों से कोई राय या सुझाव ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें जिस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। आज के विषय हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार और अंगूर की कटाई व छटाई के समय सावधानियां। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, 1800-1130-60 या फिर 1800-1130-61 पर आप कॉल करके हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पीके जैन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरजी सोमकुंवर, निदेशक है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। डॉक्टर कुंवर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो आइए शुरुआत करते हैं और डॉक्टर जैन, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे कि कृषि शिक्षा व रोजगार हमारा आज का विषय है, तो हमें ये बताएं कि जो कृषि शिक्षा है, इसका स्तर और इसका स्थिति आज के समय, आज की तारीख में किस तरह का है हमारे देश में, और इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, हम जब कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो पहले कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं। कृषि क्षेत्र में हमने काफ़ी उन्नति की है, हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा हॉर्टिकल्चर जो फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा दुग्ध उत्पादन बढ़ रहा है, हमारी दलहन की फसलें उनका भी उत्पादन बढ़ रहा है, ओल्ड सीड जो तिलहन की फसलें उनका भी उत्पादन बढ़ रहा है। और जब उत्पादन कृषि क्षेत्र में जब विकास हो रहा, उसमें तकनीकी जो हमने विकास किया उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन जो तकनीकी हमने विकसित की कृषि के क्षेत्र में, उनको हमें किसानों तक पहुंचाना है, और किसानों तक पहुंचाने के लिए हमें कृषि शिक्षा या कृषि विस्तार शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हम कृषि क्षेत्र के जब बात करते हैं तो हम पाएंगे कि अभी भी जो कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, वो ज़्यादातर अशिक्षित है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षित हमारे युवा है वह कृषि क्षेत्र में अभी भी कम है। तो इन कृषि शिक्षा को में युवाओं को कैसे लाए, और हम खासकर हम देखेंगे कि सच जो दूसरे सेक्टर हैं, जैसे हम उद्योगों की बात करेंगे या सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, वहाँ शिक्षित लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जो हाईली बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उस इसलिए हमें कृषि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, और किस तरह से प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, युवाओं का रुझान बढ़े इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही है, इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खेती किसानी को बढ़ावा देने में कृषि शिक्षा का बड़ा योगदान है। बदलते दौर में कृषि शिक्षा और नई नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत सरकार ने किसानों को कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती रही है। कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से अधिक संस्थानों ने भी सराहनीय भूमिका निभाई है, जो 75 कृषि विश्वविद्यालयों और 368 कॉलेजों के साथ राज्यों में कृषि विस्तार में भी मदद देती आई है।
हरित क्रांति और तमाम बदलावों के पीछे कृषि अनुसंधान तंत्र और कृषि विश्वविद्यालयों का अहम योगदान रहा है। किसानों और इन संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से ही देश में अनाज उत्पादन, बागवानी, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कृषि प्रसार संभाग देश के महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर नई तकनीकों को किसानों के बीच पहुंचाने के कार्य में जुटा है। प्रशिक्षण की बात करें तो कृषि विज्ञान विज्ञान आधारित संस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के साथ तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन, साथ ही बागवानी से जुड़ी कई सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षण और कृषि से जुड़ी बातों की जानकारी की मदद से किसान खेती करते समय अच्छे बीजों का चुनाव, बेहतर कृषि पद्धति और तमाम अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर अच्छी पैदावार हासिल करने में सफल हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से कृषि में रोजगार की स्थिति काफी बेहतर हुई है। बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए युवाओं का कृषि शिक्षा में रुझान बढ़ा है। तो कृषि शिक्षा के महत्व पर ये रिपोर्ट आपने देखी और आगे भी इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुंवर, आपसे जानना चाहेंगे, अंगूर की कटाई छटाई का समय देश के अलग अलग भागों में इस वक्त चल रहा है, ऐसे में किस तरह की सावधानियां जो है वो किसानों की बरतनी चाहिए, क्योंकि अंगूर की अच्छी मांग होती है लेकिन ये एक नाजुक फल भी है, ऐसे में कटाई के दौरान अगर विशेष सावधानी न बरती जाए तो किसानों को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है? देश के अलग अलग विभागों में, अलग अलग राज्यों में ये फसल अलग अलग समय पर आती है जी। अभी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये अगर राज्य की बात करें तो कटाई हो चुकी है जी। उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, उधर की अगर बात करते हैं तो कटाई का पोर्शन अभी समय अभी है, अभी आएगा, अभी ये इस समय बारिश अगर आती है जी तो मात्र हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाई का सामना यह है कि वहाँ पर बेरी क्रैकिंग की समस्या आ सकती है। अच्छा। फटने की, बेरी फटने की, अंगूर का मणि है वो फटने की समस्या हो सकती है। होता यह है कि बारिश अचानक अगर आ गई तो उसमें जो बेरीज जो है, मणि जो है, उसमें एक प्रेशर निर्माण हो जाता है अंदरूनी, और उस अंदरूनी प्रेशर से वो मनी उसका फट जाता है, और फटने के बाद में अगर ज़्यादा समय तक अगर बारिश चलती है तो ऐसे वक्त उसमें ये होता है कि सड़ना भी हो जाएगा, सड़ेगा भी। तो इस वक्त हमको कुछ सावधानियां बरतनी है कि पहले ही हम अगर पानी दे देते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, हम इरिगेशन अगर ज़मीन में दे दे पहले ही तो वो प्रेशर पहले से बना रहेगा, ज़्यादा फटने की समस्या कम रहेगी। कैल्शियम, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे कुछ ये है फर्टिलाइजर्स है, अन्न द्रव्य, उनका भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा पहले ही, फवारनी के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं हम। अच्छा। तो इसको बचाव कर सकते हैं हम थोड़ा। बिल्कुल। और कौन कौन तरह की जो सावधानियां है वो बरतनी चाहिए, किस तरह के उपाय करने चाहिए किसानों को ताकि उनको अच्छी गुणवत्ता के अंगूर मिले, इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। अंगूर की खेती वैसे तो पूरे भारत में की जाती है लेकिन उष्णकटिबंधीय इलाकों में इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अंगूर के फल स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्य के हितकारी होने के कारण इसकी बागवानी की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्पादन के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य है, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली राज्यों में इसकी बागवानी की जा रही है। अच्छी उत्पादन के लिए किसान भाइयों को अंगूर की खेती करते समय कुछ खास बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे अंगूर की कटाई और छटाई, क्योंकि उचित देखभाल के अभाव में उत्पादन में गिरावट आने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अंगूर की देखभाल करना बेहद जरूरी है। अंगूर की खेती से अच्छे उत्पादन के लिए कटाई छटाई का बड़ा महत्व है। काट छाट में सबसे जरूरी है कि लता की सधाई तथा एक स्थायी ढांचे का निर्माण करना ताकि लता का विकास चारों दिशाओं में समुचित रूप से हो सके।
फलों को समुचित रूप से लेने के लिए छटाई इस तरह से करें कि फल कलिकाएं अधिक विकसित हो सके। इसके अलावा छटाई में किस्मों और क्षेत्र का खास ख्याल रखें। जिन क्षेत्रों में एक से अधिक फसल ली जाती है वहां उतनी बार छटाई की जाती है। जितनी फसल होती है वहीं उत्तर भारत में जाड़े के मौसम में केवल एक छटाई की जाती है। छटाई करते समय पुरानी शाखाओं को छांट दिया जाता है जिससे नई टहनियां विकसित हो सके। जी हाँ, तो अंगूर के बागों की देखभाल पर ये रिपोर्ट आपने देखी है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर कुंवर, जैसा कि अभी अभी आपने बताया है कि जहाँ पर किसान जो है अंगूर की कटाई करेंगे, अगर वहाँ पर बारिश होती है तो फल फटने की समस्या आ सकती है। ऐसे में सावधानी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बात अगर उत्तर भारत की करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हीट वेव्स यानी कि गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे मौसम में किसानों को किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जहाँ पर तापमान बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में पानी की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है जो ज़्यादा बढ़ जाएगी। पानी की अगर ज़रूरत पूरी नहीं कर पाए तो टहनी सूखने की संभावना है। जो गुच्छा है गुच्छा लूज़ हो जाएगा और मनी उससे अलग होने की संभावना भी हो सकती है। तो इसको संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय ये होता है कि ज़मीन में पानी अगर देना है, हम लोग तो ड्रिप लाइन के माध्यम से पानी देते हैं जी, लेकिन ये जब पानी देना है तो उस पानी को हम एक तो शाम को देना है या तो सुबह देना है। जहाँ जहाँ पानी गिरता है ड्रिप लाइन से उस जगह पर एक मल्चिंग, अच्छा धन बोलते हैं, मल्चिंग करना है, जिसके ऊपर से कोई ऑर्गेनिक मल्च है, कोई गोबर है उसके ऊपर रख सकते हैं, मिट्टी का ढेला भी रख सकते हैं, घास रख सकते हैं, जिससे इवेपोरेशन लॉसेस जो है वो नहीं होंगे और नमी ज्यादा से ज्यादा समय तक बनी रहे। बिल्कुल। बहरहाल आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गौतम जी इस वक्त भागलपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्कार, मैम भागलपुर से मैं बात कर रहा हूँ। मैम क्या जी, नमस्कार। मेरा प्रखंड हुआ खरीक, मैम क्या मैं यहाँ पे भी अंगूर का खेती कर सकता हूँ? मैम क्या भागलपुर में आप अंगूर की खेती कर सकते हैं या नहीं, यही आपका सवाल है? जी जी मेरा यही सवाल है। और कौन सा हम लगाएंगे जो अंगूर जो मैम यहाँ पे अच्छा पैदावार दे? मैम जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर कुंवर बताएं। जी भागलपुर में आप अंगूर की खेती बेशक कर सकते हैं। वो विभाग में अगर खेती करनी है तो कुछ उसके लिए किस्म अलग है जी। फ्लेम सीडलेस नाम की एक किस्म है और अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे स्थित जो हमारा संस्थान है उन्होंने एक किस्म निकाली है, उसका नाम है मंजरी नवीन। वो जल्द से जल्द आने वाली 110 दिन में तैयार हो जाने वाली किस्म है जी। फ्लेम सीडलेस भी है और परलेट करके है एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा पूसा स्थित, उन्होंने भी किस्में तैयार की है। परलेट, पूसा, उर्वशी है, ये किस्में हम वहाँ पर लगा सकते हैं ताकि बारिश आने के पहले ये किस्में हमारे हाथ में आ जाए, अंगूर तैयार हो जाए। बिल्कुल। तो गौतम जी मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और जो उन्नत किस्मों का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर कुंवर ने किया है उन्हीं में से अच्छी किस्म को आप जरूर चुनेंगे अपने इलाके के लिए। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जैन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने हमें बताया कि बाकी तमाम जो रोजगार के क्षेत्र हैं हम देखते हैं कि उसमें उच्च शिक्षा से जुड़े लोग जाते हैं लेकिन कृषि में ऐसी स्थिति नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिए किस किस तरह के जो पाठ्यक्रम है या कार्यक्रम है जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं वो चलाए जा रहे हैं इस वक्त? देखो जैसा कि हमने पहले बताया कि कृषि क्षेत्रों में हमें युवाओं को आकर्षित करना है जी। और युवाओं को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं कि हम कृषि में कैसे आमदनी बढ़ाकर ताकि एक परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके। ऐसा ही नहीं है कि ओनली उसको भोजन की जरूरत है, उसको अच्छे कपड़ों की भी जरूरत है, उसको अच्छी सुविधाओं की जरूरत है, उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो इतनी आमदनी हम कृषि क्षेत्र में कर सके तभी युवाओं को हम कृषि क्षेत्र में रख सकेंगे। इसके लिए जरूरत है कि जैसे हम इनोवेटिव मेथड्स हम की बात करें कि इनोवेशन ला के नवोन्मेष एग्रीकल्चर में ला के उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो आमदनी बनाने के लिए हम जैसे हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र का एरिया या हम बोलते हैं जोत कम होती जा रही है, लेकिन जोत कम होने के साथ साथ उसमें कम जोत में भी अच्छी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, क्योंकि उसमें हम वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी मतलब मूल्य संवर्धन करके
या छोटे छोटे जो इनपुट से रिलेटेड है, वर्मी की हम एक यूनिट लगा सकते हैं जी। या कोई बायोपेस्टिसाइड हम वहाँ पर अपने छोटे क्षेत्र में या कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर। कई उपाय हैं और इससे जुड़े किस तरह के जो पाठ्यक्रम है और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके बारे में डॉक्टर जैन आपसे जानेंगे आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। दलपत सिंह जी इस वक्त रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दलपत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। दलपत जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं थोड़ा दोनों विषय पर चर्चा मिल रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों विषय जो दलपत जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी, देरी होगी, और आप दोनों विषय से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ, दोनों विषय से, पहला तो मेरा ये है कि रतलाम जिले में अंगूर की खेती हो सकती है क्या? ठीक है, यहाँ के जलवायु मिट्टी में क्या, इसके बारे में क्या जानकारी लेना पड़ेगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से ट्रांसलेशन करके बताइए। और जो दूसरा सवाल हमारा यह है कि जो पुराने किसान तो अब इतने पढ़े लिखे है नहीं, किसी ने एग्रीकल्चर तो किया नहीं है, तो जो युवाओं के लिए तो मान लो पढ़ाई हो सकती है, जो वृद्ध अवस्था की जो 40-50 के करीब आ चुके हैं वो भी इसमें रुचि लेना चाहे तो क्या उनको पढ़ाई करना जरूरी है या कोई, उसके बारे में थोड़ा दोनों विषय पर थोड़ा अच्छा ट्रांसलेशन करके बताइए। जी बिल्कुल दलपत जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, आइए इसका जवाब देते हैं। पहले अंगूर से जुड़ा जो आपका सवाल था उसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर कुंवर बताएं कि क्या रतलाम में अंगूर की खेती कर सकते हैं या नहीं? दलपत जी, रतलाम में अंगूर की खेती होती है, तितरी नाम का एक गाँव है आप ही के बाजू में, वहाँ पर वाइन ग्रेप्स भी होते हैं, वाइन का फैक्ट्री भी है वहाँ पर, वाइनरी जिसको हम कहते हैं वो भी है। आपके बाजू में मंडसौर है, मंडसौर स्थित एक विश्वविद्यालय का, ग्वालियर का विश्वविद्यालय, उनका एक सेंटर है वहाँ पर, कॉलेज है, उस कॉलेज में हमारा प्रयोग चल रहा है, वहाँ पर हमारा रिसर्च चल रहा है, वहाँ पर हमने लगभग 53 किस्में दी है और वो कार्य वहाँ पर चल रहा है। हम साल में एक बार वहाँ जाते हैं और वहाँ मार्गदर्शन करते हैं, वहाँ पर हमारे कुछ सेमिनार होते हैं, चर्चाएं होती है किसानों के साथ में, और उस एरिया में, उस इलाके में अंगूर बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। किस्में जो हमने अभी बताया कि जल्द आने वाली किस्में भी वहाँ पर भी चलती है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कि थॉमसन सीडलेस, माणिक चमन सोना का, सुपर सोना का, शरद सीडलेस, कृष्णा सीडलेस, ये जो किस्में है, इवन क्रिमसन सीडलेस, ये किस्में हैं, ये किस्में वहाँ पर लगाई जा सकती है, जा सकती है। और अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे स्थित जो कुछ किस्में हमने लगाई है वो किस्में भी हमने वहाँ लगाई। मांजरी मेडी का एक जूस वैरायटी है, वो जूस वैरायटी को हम मद्य निर्मित के लिए, वाइन प्रिपरेशन के लिए भी उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये भी हम वहाँ पर कर सकते हैं और वहाँ पर चल रहे कुछ प्रयोग, प्लांटिंग भी हो चुका है, हम आते जाते रहते हैं। हमारी आपसे एक विनती है कि वो जो मंडसौर स्थित जो विश्वविद्यालय है वहाँ जो कॉलेज है उनसे जुड़े रहिए, और अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, तो आप वहाँ पर भी जुड़े रहिए। मेरा नंबर ले लीजिए, 9422032988, मुझे कभी भी इसके ऊपर फोन कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, आइए आपके दूसरे सवाल का जवाब लेते हैं। और डॉक्टर जैन बताएं कि जो भी युवा किसान नहीं है, मध्य वय है या थोड़े वृद्धावस्था में है, लेकिन वो कृषि शिक्षा में रुचि रखते हैं और स्नातक स्नातकोत्तर जैसे जो फॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं ले सकते, उनके लिए क्या उपाय हैं? उनके लिए बहुत सारे अभी साधन हैं, खासकर जो हम जो प्रेजेंट इरा की बात करें, हालांकि उन्होंने सही बताया कि जो कृषि शिक्षा है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टेट में स्कूल लेवल में भी हमारे कृषि शिक्षा नहीं होती है, जैसे ITI होते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ITI डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ITI सेंटर हो, उस तरह का भी हमारे यहाँ सेंटर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि विज्ञान के अंदर सब जगह है। लेकिन जो उनको, जैसे हमारा कृषि विभाग जो एक्सटेंशन एक्टिविटी तो होती है, लेकिन जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे 6 मंथ का कोर्स आप करना चाहते हैं या 1 साल का आप कोर्स कोई पढ़ना चाहते हैं या 2 साल का, तो किसानों के लिए जो कि एक्चुअली खेती किसानी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अवसर है। और उसके लिए आजकल देखोगे कि दूरस्थ शिक्षा, एक जो डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, उसके थ्रू
काफ़ी संभावना है। और खासकर जो आप डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज की बात करेंगे तो वोकेशन मतलब एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे या वैल्यू एडिशन एक्टिविटी की बात करेंगे, बी कीपिंग की बात करेंगे, सेरिकल्चर की बात करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह के छोटे छोटे जो उद्योग उद्यम आधारित शिक्षा है वह दूरस्थ शिक्षा के थ्रू अवेलेबल है। और खासकर हम देखेंगे हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम अवेलेबल, उनको आप स्टडी कर सकते हैं और तो आपको वहां से आने की जरूरत नहीं है, आप अपने यहाँ खेती किसानी करते हुए ये पढ़ाई कर सकते हैं, कृषि कार्य करते हुए भी आप अपने घर से ही शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो दलपत जी, आप दूरस्थ शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं और नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से अगर जुड़ेंगे तो वहां पर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, तो उस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी आप शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में और अंगूर के बागों में कटाई छटाई और सावधानियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं और हमारे खास मेहमानों से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। जी सुशांत जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ जी। सुशांत जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? उड़ीसा में अंगूर की खेती हो सकती है क्या? सुशांत जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। उड़ीसा में अंगूर की खेती हो सकती है क्या? जी कौन सा जानना था? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर कुमार जी, सुशांत कुमार जी, उड़ीसा में बारिश अगर ज़्यादा होती है, उस जिस वक्त बारिश होती है और वो बारिश के वक्त अगर हमारे अंगूर तैयार होते हैं, वो दोनों का समय एक नहीं होना है, उसके लिए हमको कटाई का समय जो है वो थोड़ा सा पहले लेना है। जल्द आने वाली किस्में वहाँ पर हमें कोशिश कर सकते हैं। बारिश जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर अंगूर के ऊपर रोग का प्रभाव ज़्यादा होता है। सो ऐसे समय, ऐसे जगह रोग प्रतिबंधक जो कुछ वैरायटीज है, किस्में हैं, उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। सीडेड बीज वाली कोई किस्में वहाँ पर अच्छी तरह से आ सकते हैं जिसके ऊपर रोग का लक्षण ज़्यादा नहीं होते, और अगर आते भी हैं तो उसको वो थोड़ा सा संभल जाते हैं। बीज वाली जो किस्में हैं, अभी हमारे पास में एक मंजरी मेडिका करके एक वैरायटी है, किस्म है वो, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अंगूर की खेती उस वक्त भी हो सकती है, ऐसा कोई ये नहीं है कि कहीं पर खेती नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। खाली इतना है कि जितना जल्दी हो वो किस्म आ जाए उतना फायदे का है हमारा, ताकि हम बाकी की परेशानी से हम दूर रहे। जी बिल्कुल। तो सुशांत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जैन आपसे जानना चाहेंगे, कृषि शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो जो कृषि विश्वविद्यालय हैं एवं अन्य संस्थान हैं उनमें जो कृषि शिक्षा दी जा रही है, उस कृषि शिक्षा को प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने और स्वरोजगार करने की किस तरह की संभावनाएँ हैं? देखो हमारे यहाँ पे कई तरह की शिक्षा है, मतलब एक स्कूल एजुकेशन के
ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, या कोई स्पेशल हमने कोई डिप्लोमा ऐसा किया है जिससे हम उद्योग लगा सकते हैं, ये सारी संभावना है। खासकर हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में रोजगार कहाँ कहाँ, अगर हम जॉब की बात करें या नौकरी की बात करें, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट में भी काफ़ी संभावना है और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी संभावना। गवर्नमेंट में हम बात करें, अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से लेकर एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि अधिकारी बन सकते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर उद्यान अधिकारी बन सकते हैं, या फिर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमारे जो कृषि से इनपुट से रिलेटेड खासकर पेस्टिसाइड्स की बात करें या फर्टिलाइजर की बात करें या हमारा जो सीड की बात करें तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है, तो उनमें उनको सेल्स पर्सन, उनको टेक्निकल ऑफिसर चाहिए होते हैं, उनको कई बार क्या होता है इनपुट इंडस्ट्री की बात करें तो उनके जो बीज उत्पादन की है उनके फार्म होते हैं वहाँ पर सुपरवाइजर की जरूरत होती है, तो इस तरह के काफ़ी जरूरत। अगर हम उत्पादन के बाद की बात करें तो वैल्यू एडिशन में काफ़ी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी इंडस्ट्री, वहाँ पर टेक्निकल जो टेक्नीशियन की जॉब मिल सकते हैं, आपको सुपरवाइजरी जॉब मिल सकते हैं, मैनेजर प्लांट मैनेजर मिल सकते हैं, डेयरी सेक्टर में भी काफ़ी संभावना है, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, तो इस तरह की काफ़ी संभावना है सभी तरह के। और उस अगर और ज़्यादा आप हायर एजुकेशन है आपके पास है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप जाते हैं तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं। खासकर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो दो तरह की जॉब बहुत ज़्यादा है, एक तो जो कृषि प्रसार की बात करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी और खासकर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी एनजीओज भी काफ़ी आजकल आ रहे हैं जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है, तो इस तरह की एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी रोजगार की संभावना है। बिल्कुल, तो कृषि शिक्षा प्राप्त करके न सिर्फ आपको रोजगार मिल सकता है बल्कि आप खुद भी यानी कि स्वरोजगार भी आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बसंती लाल जी मंदसौर मध्य प्रदेश से, आइए उनसे बात करते हैं। बसंती लाल जी स्वागत है आपका, पूछे सवाल। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल रहती जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ मैम। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हमने जैसे अंगूर पे काले काले डब्बे हो गए तो उसमें रेडोमिल का छिड़काव कर दिया था, तो अपन और कौन सी दवाई डालने से ठीक नहीं हो पा रहे बराबर पर, है ना। अच्छा ठीक है, अंगूर में काले काले धब्बे हो रहे हैं, आपने रेडोमिल का छिड़काव किया था जैसा कि आप बता रहे हैं। जी 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 ठीक है, डॉक्टर को क्या वजह हो सकती है इन धब्बों की और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। जी बसंती लाल जी, आपने जो अंगूर को बचाने के लिए या उसकी फसल अच्छी होने के लिए आपने जो छिड़काव किया है दवा का, वो दवा का एक मात्रा होती है, सिफारिश की गई रेकमेंडेड डोज की बात करते हैं और उसका एक कुछ थोड़ा समय होता है, हो सकता है आपने उसका डोज थोड़ा सा बढ़ा दिया हो या तो एकदम धूप के वक्त आपने उसमें फवारनी की हो, स्प्रे किया हो सकता है उसमें आपने स्टिकर भी डाला हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, जिसका कारण वो स्प्रे करने के बाद में वो पूरा मनी के ऊपर से नीचे आके वो धब्बा गिर गया हो। वो धब्बा इतने आसानी से, एक बार अगर धब्बे आ गए तो इतने आसानी से नहीं जाते, इसीलिए उससे अगर फवारनी करनी है तो एक समय होता है, शाम के वक्त फवारनी करनी है, डोज जो दिया है मात्रा जो दी गई है जो उसी रेकमेंडेड डोज है उसी डोज को अपने इस्तेमाल करना है, कम हुआ तो चलेगा ज़्यादा नहीं होना है, धूप के वक्त काम नहीं करना है और उसमें स्टिकर जब तक के बारिश नहीं होती, बारिश अगर आ रही है और फिर से डर है हमें कि बारिश आएगी फिर से आएगी और जो रोग है वो रोग फिर से फैलेगा, उस स्थिति में ही हमें खाली स्टिकर का इस्तेमाल करना है, अन्यथा हम स्टिकर को भूल जाना चाहिए। धूप में हम बहुत बार क्या करते हैं कि स्टिकर डाल देते हैं उसमें और स्टिकर के कारण वो चिपक जाता है, स्टिकर मतलब वो स्टिकिंग है, तो चिपकने वाली जो पदार्थ है उसमें उसी को अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक वो चिपकेगा और एक बार चिपक गया कि उसके ऊपर डस्ट आएगा, फिर उसके ऊपर कोटिंग आएगा, फिर वो धब्बा दिखेगा और वो धब्बा आखिरी तक नहीं जाता है। जी तो बिल्कुल बसंती लाल जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आगे से आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। डॉक्टर कुंवर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश के वो हिस्से जहाँ पर अंगूर की कटाई हो चुकी है, अब जैसे कि बात करें अगर महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह की, तो वहाँ पर छटाई का काम अगर किसान कर रहे हैं तो छटाई यानी प्रूनिंग जो है उसकी उसका क्या महत्व है और इस दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना होता है। जी महाराष्ट्र कर्नाटका में खास तौर पर और आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना जहाँ पर अंगूर होता है,
ट्रॉपिकल क्लाइमेट की हम बात करते हैं, ऐसे वातावरण में अगर हम कटाई करते हैं तो थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है। तापमान बढ़ते रहता है वहां पर, कटाई का जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य छटाई की बात कर रहे हैं हम, कटाई तो हो गई, अभी छटाई करने का, छटाई करने का एक है कि वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में दो बार छटाई करनी होती है, फल फसल निकलने के बाद में, उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन प्रूनिंग, फाउंडेशन प्रूनिंग बोलते हैं। फाउंडेशन से मतलब जैसा कि हम एक कोई फाउंडेशन तैयार कर रहे, कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसी तरह से हम उसको पूरा जो लास्ट सीजन में जो काढ़ी के ऊपर, जो टहनी के ऊपर हमारा एक जो गुच्छा आया था, वो उस गुच्छा को तैयार होने के लिए जो भी अन्न द्रव्य लगा, जो भी फूड मटेरियल था, वो फूड मटेरियल उस काढ़ी से निकल गया। आज वो काढ़ी को पूरी वीक हो गई, अशक्त हो गई, उसके कारण हमको अब उसको फिर से कटाई करके, छटाई करके कट करके हमको नई काढ़ी तैयार करके, उसी में हमको फ्रूट बड डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, जहाँ गुच्छा तैयार करना है, उसको मजबूत करना है आने वाले फसल समय के लिए। अगले बार जब हम फल छाटनी लेंगे, फल छाटनी, उस फल छाटनी के वक्त ये गुच्छा बहुत सही सलामत हो, अच्छा हो, इसीलिए उस इस वक्त हमें जो भी पर एक सावधानियां बरतनी है, जो भी हमें कार्यवाही करनी है, वो कार्यवाही हमको इसी वक्त करना है, जिसी इसी के कारण हम इसको फाउंडेशन प्रूनिंग बोलते हैं। मतलब कि ये फाउंडेशन मजबूत अगर है तो अगली बार अक्टूबर में हम जब फल छाटनी करेंगे, फल के लिए, खाली फल के लिए जहाँ पर हम छाटनी करेंगे, उसके बाद में नया फूट जब फिर से निकलेगा, उस फूट के साथ साथ नया गुच्छा निकलेगा और उस गुच्छे को हम वहाँ पर तैयार करेंगे, निर्यात संबंधित तरह करेंगे। इसीलिए अभी ये जो छाटनी है, इस छाटनी का महत्व ज़्यादा है। बिल्कुल, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर जैन, ईमेल के जरिए भी हमारे दर्शक हमें सवाल भेजते रहते हैं, और ऐसा ही एक सवाल आया है आगरा से। विशाल जी ने सवाल पूछा है कि वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो क्या इससे जुड़ा भी किसी तरह का कोर्स या पाठ्यक्रम उपलब्ध है? जी, जब हमारे इग्नू में भी एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बी कीपिंग है। अच्छा। तो उसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको पता है कि कैसे हम बी कीपिंग एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से आपको बी लाना है, कैसे बॉक्स आपको बनाने हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उनका पैकिंग कैसे करना है, डिब्बों की पैकिंग कैसे करनी है, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बनाने के लिए 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग प्रोग्राम है। और उसके लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन में घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से एडमिशन ले सकते हैं। आपके यहाँ पाठ्य सामग्री पहुँच जाएगी, आपको एक स्टडी सेंटर मिलेगा, वहाँ जाकर आपको प्रैक्टिकल करने, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र की जो शिक्षा की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो ये एक सिंपल तरीका है और उसको कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, यानी कि कृषि शिक्षा में केवल कृषि शिक्षा ही नहीं बल्कि जो एलाइड सेक्टर है कृषि के, उससे जुड़े भी कई तरह के पाठ्यक्रम हैं, इनका लाभ आप ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम अंगूर के बागों की कटाई छटाई और देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, साथ ही कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में भी हमारी चर्चा जारी है। अगर इन विषयों के बारे में आप ही कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप सवाल पूछ के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर जैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे एक कॉलर के जवाब में आपने दूरस्थ शिक्षा के बारे में भी बताया तो बहुत ही कारगर है दूरस्थ शिक्षा, क्योंकि खेती किसानी के काम करते हुए भी इंसान जो है वो शिक्षा हासिल कर सकता है। इसमें किस किस तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और इसमें प्रवेश के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसमें सभी तरह के पाठ्यक्रम है जी, जिसे हम जागरूकता पाठ्यक्रम भी अवेलेबल है, वो 1 से 2 महीने के होते हैं और उसमें बहुत ही छोटी छोटी किताबें होती है और उसमें ज्यादातर हमने चित्रों से समझाया गया है ताकि किसान उसको जो ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ने में जिनको थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए मोटे मोटे अक्षरों में, तो उसमें खासकर हम 2 प्रोग्राम हमारे पास है, एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फल और सब्जी से मूल्यवर्धित उत्पाद कैसे बनाए जा सकते हैं उसमें एक प्रोग्राम है। इसीलिए दूसरा प्रोग्राम है किसानों के लिए ये डेयरी फार्मिंग का, तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे बुकलेट हमने बनाकर किसानों को समझाने की कोशिश की। उससे जो ऊपर के प्रोग्राम है जिसमें हम उद्योग आधारित प्रोग्राम है, खासकर हम देखेंगे 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन पोल्ट्री फार्मिंग है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम बी कीपिंग, सर्टिफिकेट प्रोग्राम सेरिकल्चर है, ऐसे एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट है, जल संचयन की जब हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे यहाँ 6 महीने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी एडमिशन भी काफ़ी जाता, काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है हमारे, तो वो 6 मंथ के प्रोग्राम है। तो एक पर्टिकुलर स्किल्स और पर्टिकुलर एक उद्यम को लेकर हमने वो प्रोग्राम बनाया। उससे ऊपर के प्रोग्राम में 1 ईयर के डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कंप्लीट प्रोसेस, उसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी उसमें होती है। जैसे हम वैल्यू एडेड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो उसमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट भी हमने किया है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी का एस्पेक्ट भी हमने उसमें कवर किया है। तो मशीनरी या प्लांट कैसे लगाएंगे, कहाँ कहाँ से मशीनरी मिलेगी, किस तरह के रॉ मटेरियल कच्चा जो पदार्थ चाहिए उत्पादन के लिए वो कहाँ से मिलते, उस तरह की उनकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, उन सबको समझाने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस, और एक जिसे आप एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हो तो प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाएंगे, कैसे बैंकर्स के पास जाएंगे आप फाइनेंस कराने के लिए, फिर मार्केटिंग के एस्पेक्ट, तो कंप्लीट प्रोसेस को हमने उसमें सिखाया। तो प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है? और प्रवेश के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आजकल पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में आपको एक फॉर्म भरना है, उसमें सिंपल इन्फॉर्मेशन, हमारे नाम पता पूरा, आपका पता, पेरेंट्स के आपके डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट उसमें लगाने होते हैं, और एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाने के लिए आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करना पड़ता है, साथ ही ऑनलाइन ही उसमें फी पे कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है, इग्नू की वेबसाइट में जाकर वो मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। दूरस्थ शिक्षा अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप फॉर्म भर के ये जो प्रक्रिया है उसे अपना कर आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर कुंवर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अंगूर के बाग जो किसान लगाना चाहते हैं, नए बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें किस वक्त से तैयारी अपनी शुरू करनी चाहिए, क्या उपयुक्त समय रहता है और नए बाग किस तरह से तैयार करें? जी, नए बाग तैयार करने का अभी एक यही समय है अभी। जी जी, हम खास तौर पे कहते हैं कि जब वातावरण का जो तापमान है वो तापमान मिनिमम किमान तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे बढ़ना शुरू हो जाए, अच्छा, वो सही समय होता है प्लांटिंग करने का। सो ये तापमान तो अभी कई जगह बढ़ गया है, बढ़ चुका है। सो जनरली हम बोलते हैं कि फरवरी का फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह, वहाँ से अगर शुरू कर दें हम तो वो समय है लगाने के लिए। जो नया लगाना है, बगीचे लगाना है, तैयारी खास ये है कि जिस जगह हम बगीचा लगाना चाहते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है वो परख लीजिए, वो जांच कर लीजिए,
जो पानी हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो पानी कैसे है उसका उसका परख कर लीजिए, उसका जांच कर लीजिए। वाटर टेस्टिंग एंड सॉइल टेस्टिंग ये जो दो बात करते हैं वो अगर हम समझ लेते हैं तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे ज़मीन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं या क्या कितना अच्छा ही है। अगर अच्छा ही है कुछ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं खाद होते हैं उसकी मात्रा कितनी है ये पता चल जाता है। हम जिसको ये कहते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दैट सॉइल वो पता चल जाता है। उससे अगर कभी हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट चुनखड़ी बोलते हैं हम वो अगर जमीन में ज़्यादा मात्रा में है तो हमें इसके ऊपर बगीचा तो लगाना है, लेकिन इस बगीचा लगाने के लिए हमें सावधानियाँ क्या बरतनी है, हमने क्या करना है। हम बोलते हैं उसके लिए अगर कुछ मात्रा में है तो हम मूल कांड की बात करते हैं रूट स्टॉक उसका अगर प्लांटिंग करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। वो कम से कम 3% तक अगर हमारे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अगर जमीन में है तो ठीक है, उसके आगे अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो ऐसे समय हम बोलते हैं कि फिर वहाँ पर सल्फर गंधक का इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल हमने कितना प्रतिशत से कितना प्रतिशत करना है, कितना केजी डालना है प्रति एकड़, ये हमें उससे पता चल जाता है जब हम सॉइल टेस्ट मिट्टी को हम जाँच लें। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि नए बाग आप लगाना चाहते हैं तो बेहतर है कि उससे पहले जो मिट्टी की जाँच है वो आपको करवा लेनी चाहिए। बहरहाल इसके बारे में आगे भी बातचीत करेंगे नए बाग लगाने के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। वीरेंद्र कुमार जी इस वक्त मधुबनी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। वीरेंद्र जी टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज मिल रही है जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम कम कर दिया हूँ। ठीक है, हाँ आवाज आ रही है। फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैडम हम चाह रहे हैं कि मेरा काली मिर्च जो आती है ना मैडम, ठीक है, उसका खेती करना चाह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, हाँ आपका सवाल क्या है वीरेंद्र जी? काली मिर्च जो आती है ना मैडम पेपर पाउडर जो बोलते हैं उसका हम खेती करना चाह रहे हैं। हमको 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, खेती में अच्छा फसल ये चीज ऑर्गेनिक खेती हम करना चाह रहे हैं जी। मेरा सवाल ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इससे जुड़ा किस तरह का कार्यक्रम प्रशिक्षण या किस तरह की शिक्षा आप हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर जैन हमें बताया, अभी अभी आपने बताया कि ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो काली मिर्च की ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं इनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जो ब्लैक पेपर जो काली मिर्च की खेती बेसिकली साउथर्न रीजन में होती है जी, खासकर हम देखते हैं कि केरला और कर्नाटका के कुछ पार्ट में और तमिलनाडु में भी काली मिर्च की खेती होती है, तो बिहार में कितनी सक्सेस होगी इसको थोड़ा सा मेरे को डाउट है, लेकिन उसका प्रशिक्षण के लिए एक जो कोचिन में हमारा स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, स्पाइसेस बोर्ड भी, तो वहाँ से कंप्लीट टेक्नोलॉजी इनकी वेबसाइट में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं। इग्नू में एक पहले प्रोग्राम था डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा इन प्लांटेशन मैनेजमेंट, उसमें हम काली मिर्च की खेती कैसी होती है उसको पढ़ाते थे, लेकिन बिहार में कितनी हो पाएगी इसको मेरे थोड़ा और हमें जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिहार में अगर कुछ लोग कृषि से जुड़ा कुछ स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे, किस तरह के पाठ्यक्रम उन्हें अपनाने चाहिए? बिहार में काफ़ी संभावना है, खासकर हम देखें कि फल और सब्जियों से आधारित उद्योग धंधे काफ़ी हम लगाए जा सकते हैं, खासकर हम वहाँ पर लीची की खेती बहुत ज़्यादा होती है तो उससे रिलेटेड मैंगो पल्प वहाँ पर काफ़ी अच्छा बन सकता है, तो उस तरह की काफ़ी फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी संभावनाएँ वहाँ पर हैं। बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी काली मिर्च के लिए संभावना बिहार में कम ही है, लेकिन हाँ फल सब्जियों से जुड़ी हुई कई तरह की संभावना है, लीची आम जैसे कई ऐसे फल हैं जिनके खाद्य प्रसंस्करण से आप जुड़ सकते हैं और उससे जुड़े जो प्रशिक्षण है और या फिर जो कृषि शिक्षा है वो आप हासिल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कुंवर आप बता रहे थे हमें नए बाग के लिए किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, तो जब पहले मिट्टी की जाँच कर लेते हैं उसके बाद अगला कदम कैसे क्या होगा, गड्ढों की तैयारी किस तरह से करेंगे? जी उसके बाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो किसान को लेना है कि जो दो पौधे हैं जो पौधे लगाते हैं वो लगाने के बीच में जो दो लाइन है दो लाइन में अंतर कैसे रखना है जी, उसका जो दिशा है प्लांटिंग का डायरेक्शन बोलते हैं हम वो प्लांटिंग का डायरेक्शन कैसे रखना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसा कि हम बड़े पैमाने में अगर खेती करना चाहें तो मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मजदूर अभी उपलब्ध नहीं होते हैं सभी मजदूर, ये और ये क्या है
हाईटेक क्रॉप है, हाईटेक क्रॉप होने से यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की ज़्यादा होना है, एडवांस होना होता है, तो उसमें मैकेनाइजेशन जरूरी है, यंत्र सामग्री जैसे कि स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करना है, स्प्रेयर को चलने के लिए, ट्रैक्टर चलने के लिए मोमेंट होना है, उसके लिए उसका स्पेसिंग जरूरी होता है, सो जगह छोड़नी जितनी जगह, सो हल्की ज़मीन अगर है तो हम बोलते हैं कि दो लाइन के बीच में हम 9 फीट कर रख सकते हैं जगह, और दो पौधों के बीच में 5 फीट, 9x5। अगर भारी ज़मीन है तो उसका ऊपर से कैनोपी जो है, वो कैनोपी का विस्तार ज्यादा होने के कारण हो सकता है उसमें हमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो होता है भारी जमीन में 10 फीट बाई 6 फीट। सो ऐसे ये करके हम खड्डे खोदना है, फिर खड्डा ऐसा खोदना है 1 फीट का खड्डा, गहरा खड्डा खोदना है, उसमें कुछ गोबर डालना है, सड़ा हुआ गोबर जिसमें, और कुछ खाद, रेती डालना है अगर भारी जमीन है तो रेती डालना है थोड़ी सी, ताकि रूट्स जो है, मूली जो है, मूल उसका अंदर जमीन तक जाए और उसको जमीन जगह जगह मिले, उस हिसाब से वहां पर हमको ये करना है। प्लांटिंग का जो समय है वो समय एक तो जल्द से जल्द सबर है, सुबह करना है जब तापमान बढ़ने से पहले, या तो 10 बजे तक हम कर लें, या तो अगर हम प्लांटिंग करना है दिन में, अगर नहीं हो पा रहा है हमसे सुबह नहीं हो पाया तो शाम को 4 बजे के बाद में शुरू करें, और जितना जल्दी हो सकता है लेट तक हम चले, ताकि वो हमारा प्लांटिंग से कुछ पौधों का नुकसान ना हो। नहीं तो ये होता है कि अभी हम देख रहे हैं कि 42-43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी, सो उतने टेम्परेचर में संभावना ये है कि उसके जड़े जो है सूख जाएंगे, उसकी जो पेशी सेल्स है वो जल जाएंगे, वो मर जाएंगे, और ऐसे ऐसे फिर नया जो रूट्स आना है वो रूट्स नहीं आएगा। सो इससे बचने के लिए हमको कुछ उपाय योजना करनी होती है, तो यही उपाय योजना है। जी बिल्कुल, तो अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में और भी बातचीत आगे करेंगे, साथ ही कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। दिलीप जी इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। दिलीप जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो दिलीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम कृषि शिक्षा के बारे में और अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर कुंवर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अंगूर की खेती जो किसान कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए एक चुनौती उनके सामने होती है कि रोग व कीट से उनको अपनी फसल को बचाना होता है। हम अक्सर देख रहे हैं कि अभी कई रसायनों पर बैन भी लग जा रहा है, और रसायनों के इस्तेमाल से बहुत
तरह के दुष्प्रभाव भी होते हैं। ऐसे में किसानों के पास किस तरह से क्या उपाय है, क्या विकल्प है उनके पास? जी, अंगूर की खेती खास करके जब तक के हम रसायन का उपयोग नहीं करते तब तक के पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार रोग आ गया तो उसको रसायन से ही मारा जा सकता है। लेकिन अगर बैन हो रहे हैं बहुत सारे केमिकल्स या तगार पे है और या तो उसके दुष्परिणाम होने के कारण हमें इसको बढ़ावा नहीं देना है, हमें इसको कम करना है, तो हमारे पास में कुछ स्ट्रैटेजी होनी है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे स्थित जो हमारा संस्थान है, उन्होंने हमने जो बहुत अच्छा काम कार्य किया है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम बात करते हैं, जैविक खेती जो हम बोल रहे हैं वो जैविक खेती, तो जैविक खेती के जैविक नियंत्रण से हम शुरू से लेके हमने उसको अगर बढ़ावा देते हैं तो काफी मात्रा में उस पौधे में एक रेसिस्टेंस डेवलप होता है, प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, प्रतिकार शक्ति तैयार होती है, जो उस प्रतिकार शक्ति से उसके ऊपर रोग आने की संभावना कम होगी। अगर रोग आते ही भी है तो भी कम से कम रसायन से वो उसका कंट्रोल हो सकता है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकल से ना वो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा एस्पिरोलाइड करके हमारे पास में एक स्पेसीज है, अंगूर अनुसंधान केंद्र ने जो उसका काम किया बहुत अच्छा काम किया है और उसको पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में तैयार किया। हमने जहां जहां पर बारिश ज्यादा होती है, खासतौर ये जो रोग जो है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, ये जो रोगों की बात करते हैं हम, इन रोगों के ऊपर ये प्रभावी उपाय योजना साबित हो चुकी है। होता यह है कि जब जब बारिश आती है, जब जब नमी बढ़ती जाती है, तब तब इस रोग का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है और इसको फिर नियंत्रण में लाने के लिए ये एक दिन में एक फवारनी या दो फवारनी में उससे कुछ नहीं होता, इसीलिए हम उनको छटाई जो होती है, छटाई के शुरुआत से लेकर जैसे जैसे तापमान कम होता है, जैसे कैनोपी बढ़ जाती है और जैसे नमी की बढ़ जाती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, उस समय पे इसका मल्टीप्लिकेशन फास्टर रेट से होता है। सो ये जब मल्टीप्लिकेशन फास्टर रेट से होता है तो इसको हम बोलते हैं कि हर चार दिन में या आठ दिन में आप एक फवारनी कीजिए और जमीन से भी आप ड्रिप के माध्यम से उसका ड्रेंचिंग कर लीजिए, ताकि उसके वो पौधा जो है उस पौधे के शरीर में एक पावर ऐसा बना रहे, शक्ति बनी रही है कि जिससे रोग नियंत्रण काफी आसान हो। बहुत सारा अगर हम ये करते हैं कि काफी मात्रा में हम ऐसे ये करने से काफी मात्रा में हमने रसायन का उपयोग कम कर चुके हैं और जिसके कारण हमारे किसानों को, हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको हम रोग मुक्त, विष मुक्त हम अंगूर खिला सकते हैं और खिला रहे हैं। तो आपको भी इसे अपनाना चाहिए, रसायन मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए और जैविक तरीके से खेती करने के बहुत सारे विकल्प जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जैन आपसे मैं जानना चाहूंगी चलते चलते कि वर्तमान जो कृषि शिक्षा की स्थिति है उसके सामने आप चुनौतियाँ किस तरह की देख रहे हैं और इससे पार पाने के लिए किस तरह के उपाय आप सुझाना चाहेंगे? अगर जो मुख्य चुनौती हम कृषि शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कैसे हम युवाओं को, हमारे यूथ को कृषि सेक्टर में बनाए रखें, ये मुख्य हमारी चुनौती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर युवा कृषि सेक्टर से बाहर निकल जाएंगे तो 10 साल और 15 साल बाद देखेंगे खेती करने वाला कोई बचेगा नहीं जी। तो कैसे युवाओं को हम कृषि में बनाए रखें और उसको युवाओं को कृषि में बनाए रखने के लिए मुख्य साधन ये है कि उनको बताएं कि कृषि क्षेत्र में कितनी संभावना है, किस तरह से आप अच्छी आमदनी पा सकते हो, किस तरह से आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी अब दे सकते हो, एक परिवार को अच्छा कैसे चला सकते हो, और उसके लिए हमें कहें कि कृषि क्षेत्र में एक जागरूकता चलानी पड़ेगी कि हमने ये संभावना है, स्वरोजगार की संभावना है और इवन ज़्यादा पढ़ाई हायर एजुकेशन कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी जॉब की संभावना है। तो उस तरह के उसके लिए करने के लिए कई सारे हमारे आजकल पाठ्यक्रम कई सारे हो गए, हम कई तरह के पाठ्यक्रम हो गए, वो बड़े स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए, तो एक पर्टिकुलर स्किल्स को, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को हम टारगेट कर रहे हैं आजकल, ताकि और हम इसका प्रभाव देख रहे हैं कि बहुत सारे जो IIT से ग्रेजुएट और IIM से ग्रेजुएट भी आकर एग्रीकल्चर में आकर स्टार्टअप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने नए नए उद्योग धंधे लगा रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उस तरह की संभावनाएं हमारे पास काफी आ रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर PK जैन और डॉक्टर सोम कुमार, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से कृषि शिक्षा आप हासिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे इसमें रोजगार की भी संभावना है और स्वरोजगार की भी संभावना है। इसके अलावा अंगूर के बागों में किस तरह से कटाई छटाई के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से गुणवत्ता युक्त उत्पादन आप अंगूर का हासिल कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय रहेगा पॉली हाउस में फूलों की खेती और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की खेती। तो इन विषयों पर कल कार्यक्रम में चर्चा होगी। इस दौरान आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर आप सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इससे खुल जाएगा हमारा फेसबुक पेज जिस पर आप सवाल भी लिखकर भेज सकते हैं और कोई सुझाव भी दे सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आप जुड़ जाएंगे सीधे हमारे YouTube चैनल से। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज जो जानकारियां दी गई है वो आपके जरूर काम आएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।